आज मैं एक पट्टी और गोइंदवाल साहब दो जेलां जी जी अंडर कंस्ट्रक्शन हैगी गोइंदवाल साहब वो मौका रखा सी ते बाकी पट्टी दे विच आके दे सारे दी एक विजिट रहिंदी सीगी। सो आज आके मिले कैदियों नूं मिले है, किसी की कोई परेशानी नहीं, फूड चेक किया है, डॉक्टर साहब इत्थे आए ने, सारा दा तो अपनी सैटिस्फैक्शन जताई है इन्होंने, सारे ने इनमेट्स ने, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने। अरे गोइंदवाल साहब इकली अंडर कंस्ट्रक्शन हैगी है, यदा 60% काम हो चुका है, बाकी 40% रहा है वो मेरे ख्याल साल के घट्टो घट लगेगा जो कंप्लीट करने लिए। ₹194 करोड़ का है तकरीबन बजट हैगा जी, जिद 112 जोड़े है ने वो रिलीज हो चुके हैं, तो बाकी दे जिहड़े काम चाली है। हाँ असी हैगी है कि टेक्निकल असिस्टेंस जी हैगी असी तकरीबन लै रहे हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट्स जी है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह असी काफ़ी परचेज कर जा रहे हैं ताकि जी है ये चीज़ों डिटेक्ट किया जा सके। हाँ जी सारे जेलों के है तो योगा प्रोग्राम चलते हैं, फैक्ट्री जी है स्किल डिवेलपमेंट प्रोग्राम जोड़े है वो चल रहे हैं ताकि जो इनमेट्स बाहर जान अपना कोई काम कर सकन, और स्पोर्ट्स का सारे चल रहे हैं हम, स्पोर्ट्स के सारिया जेलों के असी स्पोर्ट्स चल रही है, उस तो बाद प्रिजन ओलंपिक जी हैगी है वो असी करावे जो माड़ी जी ठंड घट जाती हूँ, तो उस तो बाद वो सारी प्रिजन ओलंपिक्स हो गई तो वो कंप्लीट करा पूरे पंजाब की होगी। नहीं प्रिजन डिपार्टमेंट के अपने ही है ताकि सारे जेडे डिफरेंट जेल के अपनी टीम जी है वो तैयार करके उन्होंने कंपीटिशन कराया जाएगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ये है, बाकी ये है कि भी अपना NGOs है कि इन्होंने अच्छी चीज़ा सिखाते हैं, योगा सिखाते ने, रिलीजन के उपर लैक्चर देंगे ने, उन्होंने बच्चों को पाठ वाल उन्होंने बिरती लगाते हैं ताकि अपना जोड़ा है अपना जिंदगी सुधार कर सकन।